मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका संस्कारी मनुष्य में। यहाँ आपको हिंदू धर्म, कर्म और आस्था का अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको ऐसा ही ज्ञान प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म दुनिया का सबसे प्राचीन और तीसरा सबसे बड़ा धर्म है। पूरी दुनिया में करीब 1 अरब हिंदू हैं। तर्क यह भी है कि हिंदू केवल एक धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पद्धति है। हिंदू धर्म का कोई संस्थापक नहीं है। कई लोगों के लिए हिंदू धर्म एक रहस्य की तरह है। खासकर विदेशों में हिंदू धर्म को लेकर कई गलत धारणाएं प्रचलित हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही मिथकों के बारे में। नंबर 1, हिंदू धर्म में एक सर्वोच्च ईश्वर है जिन्हें पूरी तरह से समझना और जानना संभव नहीं है। हिंदुओं को भगवान के उस रूप की उपासना करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिसमें उन्हें आनंद मिलता हो। भगवान के कई प्रतिरूप माने गए हैं, जैसे त्रिमूर्ति में से भगवान ब्रह्मा को सृजनकर्ता, भगवान विष्णु को संरक्षक और भगवान शिव को विनाशक माना जाता है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है। हिंदू धर्म में बहुदेववादी धर्म है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवताओं की बात गलत है। यहाँ 33 कोटि देवी देवताओं के बारे में बताया गया है। नंबर 2, हिंदू धर्म में विश्वास है कि हर जीव जंतु में आत्मा है। सभी जीवित जीव जंतुओं का हिंदू धर्म में महत्व होता है। हिंदू धर्म में प्रकृति के कई अवयवों की पूजा की जाती है। हालांकि यह सच है कि गाय को हिंदू धर्म में पूजनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि यह दूध और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराती है। गाय में मातृत्व का स्वरूप देखा जाता है और हिंदू समाज में गाय को खास दर्जा दिया गया है, इसीलिए हिंदुओं के लिए बीफ का सेवन वर्जित माना गया है। नंबर 3, हिंदू लोगों को शुद्ध शाकाहारी माना जाता है, लेकिन यह सच नहीं है। हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि सभी जीवों में भगवान बसते हैं, इसी वजह से मांस का सेवन करना मना है। हालांकि आज के समय में बहुत से हिंदू शाकाहारी नहीं हैं। नंबर 4, भारत में महिलाओं को पुरुषों से कम दर्जा मिला हुआ है, हालांकि धर्म ग्रंथों में ऐसा नहीं है। पार्वती माता की शक्ति के रूप में पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी और सरस्वती की भी पूजा की जाती है। नंबर 5, हिंदू मूर्ति पूजा करते हैं। कोई भी हिंदू यह नहीं कहेगा कि वह मूर्ति की पूजा कर रहा है। हिंदू धर्म में मूर्ति के स्वरूप में भगवान के मूर्त रूप की पूजा की जाती है। इससे हिंदुओं को प्रार्थना में ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, किसी शख्स ने कोई नया बिजनेस खोला हो तो वह भगवान गणेश की पूजा कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश सफलता दिलाने के देव हैं। नंबर 6, हिंदू धर्म में मान्यता है कि अतीत में किए गए कर्मों का फल हर इंसान को भुगतना पड़ता है। हर व्यक्ति अपने किए हुए कार्यों से अपना भाग्य निर्धारित करता है। अंतिम सत्य कर्म ही है जिससे आत्मा को मुक्ति मिलेगी और मोक्ष की प्राप्ति होगी। नंबर 7, स्त्रियों को नहीं मिलता बराबरी का दर्जा। हिंदू धर्म में देवियों की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में शक्ति की उपासना भी की जाती है जो एक शक्तिशाली स्त्री की प्रतीक है। कई लोग पार्वती माँ की पूजा भी करते हैं। इसके अलावा सरस्वती और लक्ष्मी की भी पूजा हिंदू धर्म में की जाती है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि भारत में महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन यह धर्म की वजह से नहीं बल्कि कुछ लोग धर्म और संस्कृति के नाम पर महिलाओं को बराबरी के अधिकार से वंचित करते रहते हैं। वेदों में ऐसा कोई भी निर्देश नहीं दिया गया है जिससे महिलाओं को कमतर आंका जा सके। नंबर 8, हिंदुओं का कोई एक आधिकारिक धर्म ग्रंथ नहीं है।
हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ मौजूद हैं। हिंदुओं का मानना है कि भगवान ने पृथ्वी के बुद्धिमान लोगों को ज्ञान दिया जो हजारों सालों से मौखिक परंपरा से पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। वेद, उपनिषद, पुराण और श्रीमद् भगवद गीता और हिंदू धर्म के कई अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जैसे महाकाव्य महाभारत का अंश श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन और कृष्ण भगवान के बीच हुए संवाद का वर्णन है। इसमें हिंदू धर्म के कई विश्वास समाहित हैं। नंबर 9, हिंदू धर्म भेदभावपूर्ण जाति व्यवस्था का समर्थन क्यों है? जाति व्यवस्था की जड़ें हिंदू धर्म में नहीं बल्कि सामाजिक व्यवस्था में जमी हुई हैं। जाति व्यावसायिक वर्ग के वर्गीकरण की एक प्राचीन व्यवस्था थी जो साल दर साल एक दृढ़ सामाजिक व्यवस्था में तब्दील हो गई। निचली जातियों को सामाजिक व्यवस्था में भेदभाव का शिकार होना पड़ा। कई आधुनिक हिंदू भी यह तर्क देते हैं कि जातिगत भेदभाव हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं है और इसे धार्मिक स्वीकृति कभी नहीं मिली। तो प्यारे साथियों, भगवान शिव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।